हाय, आई एम सोहित पवार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पवार 3D एंड VFX। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्लिप टूल के बारे में, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा स्लिप टूल। स्लिप टूल को हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आज समझाऊंगा। थोड़ा सा टफ है समझना, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये वाला टूल अच्छे से समझा सकूँ। तो बेसिकली मैं पहले अपनी क्लिप को, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये स्लिप टूल होता है स्प्लिट, तो मैं अपनी वीडियो को तो इसमें काट लेता हूँ। ठीक है, आप अपनी वीडियो के, मान लीजिए मुझे ये मेरा ये वीडियो है, ये वाला पार्ट है, इस वीडियो को मैं जैसे इस माउस को क्लिक करके इधर की तरफ ड्रैग करूंगा, इधर की तरफ ड्रैग करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर मुझे चार फ्रेम शो हो रहे हैं। आप ऊपर देख रहे हैं चार मुझे थंबनेल शो हो रहे हैं। अभी चार थंबनेल क्या है? आपको जो चार थंबनेल दिखाई दे रहे हैं, आपको जो ऊपर की तरफ ये छोटे वाला जो फ्रेम दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, बिल्कुल छोटे वाला थंबनेल है, ये आपको इस वाली वीडियो का, यानी इस वाली वीडियो का सबसे लास्ट वाला फ्रेम हुआ है। और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ऊपर छोटे वाले जो थंबनेल है, वो आपकी सबसे लास्ट वाली वीडियो का फर्स्ट फ्रेम है। और देन जो ये आपके दो बड़े वाले जो आपको जो थंबनेल हो रहे हैं, ये आपके जो वीडियो आपने सिलेक्ट की है इस वीडियो का फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम है। तो आप देखेंगे कि दोनों में ही टाइमिंग चलेगी। जैसे मैं इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि जहां मैंने वीडियो कट की ना, उसका ये ऑटोमेटिकली आगे के जो फ्रेम है वो उठा रहा है और पीछे से वो ऑटोमेटिकली क्रॉप कर रहा है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो। ठीक है, लेकिन अगर उसी कंडीशन में अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, तो उसमें ये क्या करेगा कि इसके पीछे के जितने फ्रेम्स होंगे उनको पीछे की तरफ स्लाइड करेगा और आगे वाले जो स्लाइड है उनको पीछे की तरफ स्लाइड कर देगा। ठीक है, तो ये होता है इसका यूज, यानी कि अंदर इसके अंदर हमारे जितने भी क्लिप्स बची है, देखिए जैसे मैं इसको अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये पूरी एक क्लिप है। ठीक है, ये पूरी मेरी एक ही क्लिप है, लेकिन मैंने इसको यहां से कट किया। अब इसके आगे भी काफी फ्रेम्स बचे हैं क्योंकि ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो एक ही है। ये इसके अंदर से ऑटोमेटिक इसको स्लाइड करता चला जाएगा। बेसिकली मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, जैसे मैं इस वीडियो को मैंने कट किया, मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऊपर रखा और बेसिकली अगर मैं इसको यहां से इसको मैं स्लाइड करता हूँ, इसको और ये नीचे करनी पड़ेगी, अगर मैं इसको आगे की तरफ स्लाइड कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं क्या हुआ कि इसकी जो वीडियो का जो पार्ट था वो इसके अंदर बचा हुआ है। ठीक है, अब वो मैंने चीज इसके ऊपर रख के इधर से स्लाइड किया, लेकिन नीचे वाली वीडियो तो मेरी हाइड हो गई। तो ये उसी कंडीशन को, इसी उसी कंडीशन को अगर हम स्लाइड करते हैं, इससे स्लिप करते हैं, तो इस स्लिप में इसकी ऑटोमेटिक अंदर से ही इसके फ्रेम्स को घटाता रहेगा और अंदर से ही इसके फ्रेम्स को बढ़ाता रहेगा। मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ। देखिए, मैं इसको सभी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये पूरी वीडियो है, मैं इस वीडियो को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पहले एक बार अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि ऑडियो की इमेज जरूरत नहीं है। अब मैं इसको इसलिए डिलीट कर देता हूँ। अब देखिएगा, इस वाली वीडियो को आप इग्नोर कर दीजिए, आपको ये वाली वीडियो को इग्नोर कर देना है। मैं सिर्फ पहले वाली जो मेरी वीडियो है, मैं इसको यहां से और यहां तक का बीच का जो एरिया है वो मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कट कर दिया, मेरे बीच का एरिया सिलेक्ट हो गया। अब देखिए कि अगर मैं स्लिप टूल से इसको इधर लेफ्ट की तरफ लेके जाऊँ या राइट की तरफ लेके जाऊँ, तो इसके अंदर के ही फ्रेम को घटा रहा और बढ़ा रहा है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं इसी जगह पर मैं इस वाले फ्रेम को, वीडियो को डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, देखिए कंडीशन वही है, अभी ऊपर क्या फ्रेम चल रहा है और नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बीच की वही है। अब जब लेट्स सपोज कीजिए कि जो इसका बीच का जो ब्लैंक एरिया ना, वो एरिया ये वाला है। ठीक है, स्लिप ट्रिक से क्या हो रहा था, मैं इसको अगर यहां से उठा के इधर रखू, ठीक है, तो क्या हुआ, वो फ्रेम्स बढ़ गए, यानी इसके जो बाकी के जो फ्रेम्स थे इसमें से हटा के इसे इसमें से लगा दिए। अगर मैं इसको यहां तक इतना स्लाइड कर दे रहा हूं, तो देखिए मेरी वीडियो में यहाँ से जर्क आ जाएगा और यहाँ से फिर अगला फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आगे की तरफ ना लेके मैं इसके पीछे का हिस्सा लेना चाहता हूँ,
तो मैं इसको इधर की तरफ स्लाइड करूंगा, डेस्क क्रॉप करके पीछे की तरफ लेके आ जाऊंगा। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर से ही ऑटोमेटिक ये फ्रेम्स को, पीछे के फ्रेम्स को लेके आ जाएगा, लेकिन आपकी ये दोनों वीडियो एज इट इज रहेंगी, इनका आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके फ्रेम्स पर, लेकिन यहाँ पर आपका वीडियो पर फर्क पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि स्लिप टूल करता क्या है बेसिकली, आपको अगर इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ले जी मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कट मैंने कर दिया। अब देखिएगा स्लिप से मैंने इसको पकड़ा, मेरा पहले फ्रेम आपको फ्रेम्स दिखा देता हूँ आपको बेसिकली अगर समझ नहीं आया तो देखिए मेरा लास्ट वाला जो फ्रेम है इस वीडियो का, मेरा लास्ट फ्रेम ये है, और इस वीडियो का मेरा लास्ट फर्स्ट फ्रेम ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें वीडियो को एक बार प्ले करता हूँ तो आपको कोई जरूरत नजर नहीं आएगा, स्मूथ चल रही है हमारी वीडियो, ये देखिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाले जो फ्रेम है, ये वाले जो फ्रेम है, मैं इसको थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्लिप टूल लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, इसको आगे की तरफ बढ़ाया, तो आप देख रहे हैं कि जितना आप टाइमिंग आगे बढ़, आपको दिखाएगा कितने फ्रेम्स आपके ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आपके कितने फ्रेम्स ऐड हो रहे हैं और कितने फ्रेम बढ़ रहे हैं। तो मैंने इसके आगे की तरफ को थोड़ा सा स्लाइड किया, तो अब आपने देखा कि ये पहले वाली वीडियो में ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला आइकन जो है उसमें राइट साइड, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट साइड में जो आपको बड़े वाले जो थंबनेल है, ये आपकी पहले वाली वीडियो में से, यानी आपकी भी सेंटर वाली फर्स्ट वाली वीडियो में से उसने ये वाले फ्रेम ऑटोमेटिकली ले लिए, लेकिन फर्स्ट वाली वीडियो एज इट इज रहेगी, दैट्स इट, मैंने इसको छोड़ दी। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे दिखा देता हूँ, ये देखा आपने जरूर देखा। तो वो क्या हुआ कि इसने बिना इन दोनों वीडियो को डिस्टर्ब किए, आपने फर्स्ट वाली एंड सेकंड थर्ड वाली लास्ट सेकंड लास्ट वाली आपकी बिना वीडियो को डिस्टर्ब किए इसने ऑटोमेटिकली इसके फर्स्ट फ्रेम्स और इसके लास्ट फ्रेम को इसने ऑटोमेटिक स्लाइड कर लिया स्लिप रूल से। तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, दोनों को ऐसे ही बढ़ा लेता हूँ। तो अब हम बात करेंगे स्लाइड टूल के बारे में। स्लाइड टूल की बेसिकली मेरा क्या करेगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ इसमें भी ऐसे ही कट लगा देता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पर आकर ये आइकन है इसे थोड़ी देर प्रेस होल्ड करना है, उसके बाद हमारी आ जाएगा स्लाइड टूल। इसकी शॉर्ट कमांड यू है और स्लाइड टूल की शॉर्ट कमांड हमारी वाई है। तो हम स्लाइड टूल को लेंगे, बेसिकली आपको स्लाइड का नाम समझ दिया, आपको समझ गए स्लाइड का मतलब क्या होता है कि वन बाई वन किसी फ्रेम को लाना है, या वन बाई, जैसे कोई वीडियो देखते हैं उसमें वन बाई वन फोटोज आती रहती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्लाइड शो। तो बेसिकली ये भी ऐसे ही काम करेगा, बट ये काम कैसे करेगा, जो काम हम स्लिप से कर रहे थे वो काम यहाँ से अलग तरह कैसे होगा। स्लिप में क्या कर रहा था, अगर मैं बीच वाली वीडियो को या किसी भी सेंटर वाली वीडियो को मैं इधर से फर्स्ट फ्रेम ले रहा था या लास्ट फ्रेम ले रहा था, तो लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाली वीडियो को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें ये क्या करेगा, जितना पोर्शन आपने जितने ड्यूरेशन में वीडियो सेंटर वाली काटी है वो वीडियो को ड्यूरेशन उतनी ही रहेगी, ड्यूरेशन आप समझ रहे, ड्यूरेशन वो इतनी ही रहेगी, लेकिन उसके बीच का जो पोर्शन है वो आपको पहली वीडियो से घटाएगा और सेकंड वीडियो से बढ़ा के देगा। कैसे, आइए देखते हैं। मान ली मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो का ये फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला फ्रेम यहाँ से रखूँ, इस वाली वीडियो का फर्स्ट फ्रेम यहाँ से रखूँ, तो मैं बेसिकली सिंपली क्या करूंगा, इस वीडियो को मैं बीच में सिलेक्ट करूंगा और देखिए वही वाला जो पिछली वीडियो में चार थंबनेल आपको शो कर रहे थे वही वाला थंबनेल इसमें शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखिए जो आपका ये है लेफ्ट साइड में जो आपका बड़े वाला फ्रेम दिख रहा है, जिसमें 26x26x15 का जो आपका जो शो है, ये वाली वीडियो में इसे फ्रेम्स बढ़ा रहा है, यानी मैं चाहता था कि मुझे यहाँ तक का चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। तो देखिए क्या हुआ, आपकी बीच वाली वीडियो का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वही है, लेकिन उसने क्या किया, इस फ्रेम्स में ऐड करने के लिए उसने पहली वाली वीडियो को काट कर, पहली वीडियो के फ्रेम्स को काट कर इसमें ऑटोमेटिकली उसने ऐड कर लिए, और लास्ट वाली वीडियो में इसके जो एक्स्ट्रा फ्रेम बढ़ रहे थे वो ऑटोमेटिकली उस वीडियो में जाके उसने ऐड कर दिए, इस वीडियो में ऐड कर दिए। तो सिंपली आपको समझ में आया कि स्लाइड क्या होता है, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, जैसे मैंने पहले समझाया था। मैं इसको भी, ठीक है, बेसिकली अगर हम कोई वीडियो जिसे अगर कॉपी करना होता है, आपको सिंपली करना क्या है,
आपको अल्ट प्रेस करना है, और अल्ट प्रेस करने के बाद आप वीडियो को ऊपर की तरफ रख दीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली वो वीडियो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं इसको थर्ड वाली लेयर पर रख लेता हूँ, दैट्स मैं इसको यहाँ से कट किया एंड यहाँ से मैंने कट किया। अब सिचुएशन में आ जाते हैं वहीं वाली पर कि मुझे ये करना कैसे है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये वाली वीडियो को मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि मैं ये अभी तो मेरा यहाँ का देखो इस वाली वीडियो का फर्स्ट फ्रेम ये है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट इस वाली बीच वाली वीडियो का, मान लीजिए मुझे ये बीच वाली का जो ब्लैंक के लिए है ना वो ये वाली वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाले वाला फ्रेम यहाँ से आए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वो पहले क्या करता था कि मैं यहाँ से पकड़ के उठाता था, इस फ्रेम को कट कम कर रहा था, इस वाली वीडियो को कट कर दे रहा था, कम कर दे रहा था, और इस वाली वीडियो को फ्रेम बढ़ा दे रहा था। तो उसी में मैं आके यहाँ पे इसका लास्ट फ्रेम भी देख लेता हूँ कि इसका लास्ट फ्रेम क्या है, लड़की इस लड़की का यहाँ पर आके ये वाला जो फ्रेम है ये वाला यहाँ पे आना है। तो देखिए दोनों का ड्यूरेशन वही रहेगी, मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आकर देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ से ये फ्रेम चाहिए, इस वाली ब्लैंक वाली वीडियो का मुझे ये वाला फ्रेम यहाँ से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस वाली वीडियो को सिंपली यहाँ से क्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो तो नीचे है, सेम एज इट इज है, सेम ड्यूरेशन में है, सेम लेंथ में। तो देखिए पहली वाली वीडियो का ये फ्रेम यहाँ से बन गया और सिंपली इस वाली वीडियो को आगे से ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, इसको घटाया, इसको मैंने बढ़ाया, बीच में जो ड्यूरेशन है वो एज इट इज रही क्योंकि नीचे हमारी वीडियो है। सेम यानी कि जो काम हम अलग अलग लेयर पे कर रहे हैं वो काम आपका स्लाइड और स्लिप टूल एक ही लेयर में कर सकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में करेगा, वो उस कंडीशन में करेगा उसके पास एक्स्ट्रा फ्रेम्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कि जो काम अगर हम, मैंने आपको अलग अलग लेयर पे समझा दिया कि ये कैसे काम करता है, और बाकी अगर आपको थोड़ा कोई भी डाउट आ रहा है तो आप अपने आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे या आपको समझ नहीं आएगा कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझा दिए, लेकिन अगर आपको फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।